और इसी बीच बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। फूलपुर में राहुल और अखिलेश की सभा में हंगामा हुआ है। बैरिकेडिंग फांदकर स्टेज पर पहुंचे कार्यकर्ता। फूलपुर में भीड़ हुई बेकाबू, बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए। बिना जनसभा को संबोधित किए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वहां से निकलना पड़ा। इस तरह की अफरा तफरी की स्थितियां जो है वो वहां पर बन गई। फूलपुर में राहुल अखिलेश की सभा में हंगामा हुआ, ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग फांदकर स्टेज पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंच गए। फूलपुर में भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेडिंग टूट गए। बिना जनसभा को संबोधित किए ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वहां से निकलना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो भागते दौड़ते मैदान में नजर आ रहे हैं, और इसी भाग दौड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया और फिर स्थितियां ये बनी कि राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को बिना जनसभा को संबोधित करते ही वहां से निकलना पड़ा। तो फूलपुर में कैसे भीड़ बेकाबू हो गई, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे मंच से कुछ ही नीचे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कैसे जो कार्यकर्ता हैं वो बेकाबू हो गए, भीड़ कैसे बेकाबू हो गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को जनसभा बिना संबोधित किए ही यहां से निकलना पड़ा। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है, भीड़ अचानक से कैसे बेकाबू हो गई? बिल्कुल, जो कार्यक्रम था अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, जैसे ही हेलीकॉप्टर उनका वहां पे जहां पे हेलीपैड बना था वैसे उतरा, उसके बाद वहां पे जो कार्यकर्ता थे वो बेकाबू हो गए और वहां पे ही उन्होंने ही बैरिकेडिंग लगाई हुई थी उसको तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही जनसभा स्थल पे जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां भीड़ बेकाबू हो गई, वो मंच पे चढ़ने लगी। जो कार्यकर्ता थे वो मंच पे पहुंच गए अखिलेश यादव से मिलने के लिए, लगातार वो जो एकदम आपस में एकदम लड़ाई पे उतारू थे। उसके बाद जैसे ही वो मंच पे भीड़ बढ़ती गई और जो माइक का जो तार था वो टूट गया, और उसके बाद अखिलेश यादव जो थे वो सपा के जिलाध्यक्ष जो हैं इनके ऊपर भड़क गए। उन्होंने कहा कि किस तरह से इस तरह की कैसे माइक की और कैसी व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पे इस तरह की अफरा तफरी और इस तरह से हो, तो उन्होंने काफी उनको फटकार लगाई। उसके बाद वहाँ पे बिना मंच जनता को संबोधित किए हुए अखिलेश यादव वहाँ से रवाना हो गए, और उसके बाद वो कक्षणा में जो थी जनसभा करना था प्रयागराज इलाहाबाद जो सीट थी वहाँ के लिए वो निकल गए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जिस हिसाब से अफरा तफरी और जो भगदड़ का जो स्थिति बनी उससे वो काफी नाराज नजर आए, और काफी उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को भी काफी फटकार लग गई। और वहीं इस मामले को लेकर जो सपा के एमएलसी है मानसिंह यादव, जिलाध्यक्ष जो है अभी 5:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये जनसभा नहीं पाई, वो प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो मंच पे देखने को मिला था कि अखिलेश यादव सपा के जिलाध्यक्ष ऊपर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।